हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेटर आइडिया में। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना से जुड़ी सभी नई अपडेट और नई जानकारी, और साथ में किन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और उनकी लाभार्थी सूची कब जारी की जाएगी, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी है। उसको हम स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने हुए 3 साल हो गए हैं, और जब कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणा की गई थी विधानसभा चुनाव से पहले कि अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आती है तो कांग्रेस सरकार सबसे पहले किसानों का जो पूरा कर्ज है वो माफ करेगी, लेकिन अभी तक 3 साल हो गए, कांग्रेस सरकार द्वारा इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन अभी राजस्थान में बहुत से ऐसे किसान है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने बैंक से लिया हुआ कर्ज वापिस नहीं चुकाया था, जिसके बाद बैंकों द्वारा उन सभी किसानों की जमीन कुर्क करके उसकी नीलामी कराई जा रही है, जिससे किसान आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस सरकार ने जिन किसानों ने अभी तक बैंक से लिया हुआ लोन अभी तक नहीं चुकाया है उन सभी किसानों का पूरा ब्याज माफ करने की घोषणा कर दी है। इस योजना के अनुसार उन्हीं किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा जिन्होंने बैंक से लोन लेने के बाद एक भी बार उसमें लेन देन नहीं किया, यानी ब्याज नहीं चुकाया है, और एक भी बार केसीसी को वापिस नहीं फोड़ा, उन सभी किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। और जिन किसानों ने बैंक से लोन लिया था और लोन लेने के बाद जिस किसान के नाम पे लोन लिया गया था उस किसान की अगर मृत्यु हो गई है, उन किसान के परिवारों का पूरा कर्ज है वो माफ किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा इसकी एक बड़ी घोषणा की गई है, जो राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा की गई है। योजना के अंतर्गत जिन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और जिन किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा उनकी लाभार्थी सूची जारी नहीं की गई है। अगर आप उनकी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको जिस बैंक से आपने लोन लिया है उस बैंक में आप जाके जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं, और आपका कर्ज माफ हुआ है या आपका ब्याज माफ हुआ है उसकी जानकारी आप बैंक में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अगर वो थोड़ा बजट राज्य सरकार को देते हैं तो राजस्थान सरकार किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। ये भी एक बड़ी अपडेट है कि अगर केंद्र सरकार राजस्थान सरकार को कुछ पैसा दे देती है तो राजस्थान सरकार किसानों का कर्ज माफ कर सकती है। और दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना से संबंधित कोई और नई अपडेट जारी की जाती है या किसानों की लाभार्थी सूची जारी की जाती है तो आपको एक नया वीडियो बनाकर सबसे पहले जानकारी देंगे, जिसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों, क्या राजस्थान में 3 साल के बाद भी अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो आगे क्या कर्ज माफ हो सकता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।